व्यक्ति अपने रोजमर्रा के काम से काफी देर घर आया करता था। और एक दिन की बात है, ये व्यक्ति अपने काम से थका हुआ और काफी उसे थकान सी महसूस हो रही थी और थोड़ा सा गुस्सा भी आया हुआ था। और जब भी अपने घर की ओर आता है, दरवाजा के पास उसका बेटा खड़ा हुआ था, और 5 साल का बेटा। और बेटे ने कहा, पिता, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो इस व्यक्ति ने, जो थका भी था काम से, अपना थका हुआ था, और कुछ, हाँ बता क्या है? तो इस लड़के ने कहा, पापा, आप इतना मेहनत करते हो, इतना काम करते हो, आपको कितना मिलता है, दिहाड़ी कितना मिलता है आपको पूरे दिन की? तो पिता ने कहा, तुझे क्या है, क्या करेगा इसका? फिर उसने कहा, पापा प्लीज बताओ ना। तो उसने कहा, हाँ 500 रुपये मिलता है। तो उसने कहा, पापा क्या आप मुझे 250 रुपये दे सकते हैं? पिता बहुत गुस्सा में आ गया, अरे इसको 250, इसको क्यों चाहिए, क्यों चाहिए तुझे 250 रुपये, क्या करेगा इसका? और इसे डांटा पिता ने। एक तो पहले थका हुआ था, दूसरा गुस्से में इस प्रकार का सवाल ही पिता से पूछ रहा, इसको डांटा और फटकार करके उसके रूम में भेजा, गो अपने रूम में जाओ, वहां रहो। और अपने जैसे ही पिता अपने घर के अंदर जाता है, पानी पीता है, चाय पीता है, थोड़ा सा शांत हो जाता है। और ये पिता उस सवाल के बारे में पूछ ही रहा था, अक्सर ये बेटा इस प्रकार के सवाल नहीं पूछता है, क्या कारण होगा, वो सोचने लगा इसके ऊपर। और सोचता सोचता फिर उसने सोचा कि चलो मैं इस बेटे से पूछ लेता हूं। और जाकर के वो पिता रूम में जाता है और बेटा चुपचाप अपने बिस्तर के अंदर छुप करके बैठा हुआ है, क्योंकि पिता ने उसे डांटा भी था, चुपचाप बैठा हुआ था। और पिता ने कहा, बेटा आप सो तो नहीं गए? तो बेटा कहता है, पापा नहीं, मैं अभी सोया नहीं हूं। तो पिता ने कहा, बेटा आपने ऐसा सवाल क्यों पूछा, क्या आपको 250 रुपये की जरूरत है बेटा? तो इसने बेटे ने कहा, पापा हाँ मुझे कुछ जरूरत है। तो पिता ने कहा, आपको एक खिलौने के लिए आपको पैसों की 250 रुपये ऐसे खर्च करना चाहते हो, क्या जरूरत है आप मुझे बताओ? फिर ये बच्चा मुस्कुराता हुआ अपने पिल्लों के नीचे जस कुछ ढूंढने लगा, और जब ढूंढने लगा कुछ इसके पास पैसे थे। और ये क्या हुआ, जब ये गिन रहा था तो इसके पास तो करीबन 250 रुपये करीब था। तो पिता और भी गुस्सा हो गया, अरे तेरे पास तो 250 रुपये ऑलरेडी है, तू क्यों मुझसे मांग रहा है पैसा, और क्या चाहिए तुझे, क्या करेगा इस 500 रुपये का तू? तो बेटा बेटा ने कहा, पिता मेरे पास इतना 250 रुपये तो है, लेकिन 250 और मुझे चाहिए था। तो पिता और थोड़ा गुस्सा हो गया उसको देखते हुए, और पिता ने कहा, बेटा क्या करोगे तुम? पिता थोड़ा क्यूरियस हो गया, क्या करना चाहता है ये 500 रुपये का? तो और क्यूरियस होकर के पूछा, बेटा क्या तू करना चाहता है इस 500 रुपये का? बेटा ने मुस्कुराते हुए पिता से कहा, पापा मेरे पास 250 रुपये हैं, 250 आपसे इसलिए मांग रहा था ताकि आपकी एक दिन की जो दिहाड़ी है ना, मैं आपको दे सकूं और आप मेरे साथ, मम्मी के साथ, परिवार के साथ एक दिन आप हमारे साथ व्यतीत कर सको। हम पार्क में खेलना चाहते हैं, हम आपके साथ डाइनिंग टेबल में खाना खाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं पापा, आप एक दिन की दिहाड़ी मुझसे ले लो 500 रुपये, और ये समय हमारे साथ व्यतीत करो। दोस्तों, ये स्टोरी तो बहुत सिंपल है, लेकिन लेसन इसके अंदर जो है बहुत गहरे हैं, बहुत महत्वपूर्ण। व्हाट इज अ फैमिली, परिवार क्या है? हमें मालूम है कि एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ रिलेटेड मेंबर ऑफ द फैमिली, ये छोटा सा एक परिवार होता है। लेकिन दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से क्या मैं सीख पाया हूँ? फर्स्ट थिंग ये, फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी।
परिवार जो है ना पैसे से भी बहुत बहुमूल्य है। दोस्तों कई बार परिवार के सदस्य पैसों को कमाने के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। एक्चुअली आप और मैं कमा किसके लिए, परिवार के लिए रहे। और कई बार आप और मैं भूल जाते हैं उनको, परिवार के सदस्यों को, परिवार के बच्चों को, परिवार के सदस्यों को भूल जाते हैं और पैसा कमाने में हम खो जाते हैं। लेकिन परिवार बहुत महत्वपूर्ण है, पैसे से भी बढ़कर के परिवार है। परिवार को प्राथमिकता दें, परिवार का ख्याल रखें, परिवार के साथ समय व्यतीत करें, परिवार के साथ जितना समय हो सकता है क्वालिटी टाइम उनके साथ व्यतीत करें। यानी पैसे से बढ़कर के परिवार है। और जब हम परिवार के बारे में जानते हैं तो परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात जो हम सीख पा रहे हैं, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली, अपने परिवार के साथ अपना बहुमूल्य समय जो है एक अच्छा समय व्यतीत करें, परिवार के साथ समय व्यतीत करें, क्योंकि समय जो चला गया कभी वापस नहीं आता है। अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें। कई बार आप और मैं दोस्तों के साथ समय व्यतीत करते हैं, मोबाइल में घंटों घंटों समय व्यतीत करते हैं, और सिनेमा देखने में, विभिन्न जगहों में आप और मैं बहुत समय व्यतीत करते हैं, लेकिन परिवार में बहुत कम सीमित हमारा समय हो गया है। परिवार के साथ समय व्यतीत करें, बच्चों के साथ समय व्यतीत करें, फैमिली के साथ समय व्यतीत करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय कभी वापस नहीं लौटता जो चला गया है। इसलिए क्वालिटी टाइम परिवार के साथ आप व्यतीत करें। एंड फैमिली का मतलब क्या होता है? एफ स्टैंड फॉर फादर, ए स्टैंड फॉर एंड, एंड एम स्टैंड फॉर मदर, आई स्टैंड फॉर आई, एल स्टैंड फॉर लव। और फैमिली का मतलब होता है फादर एंड मदर, आई लव यू। ये सिंपल सा इसका एक मतलब है कि फादर एंड मदर, आई लव यू। माँ पिता और बच्चे एक छोटा सा परिवार होता है, और इसी परिवार से एक छोटा सा घर बनता है, और इस घर से एक कम्युनिटी, समुदाय बनती है। इस समुदाय से एक पूरा एक डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक या गांव आप कह सकते हैं बनता है, फिर इससे डिस्ट्रिक्ट बनता है, फिर इससे स्टेट बनता है, और फिर जाकर के स्टेट से एक कंट्री, फिर एक देश हो जाता है, देश बनता है, देश से पूरा धीरे 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 पूरे समाज में। इस प्रकार से परिवार का जो बहुत बड़ा एक झुंड समूह बन जाता है। परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम धर्मशास्त्र बाइबल में भी पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने सृष्टि में परिवार को पहला फैमिली परमेश्वर ने स्थापित को किया है। और इवन प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए उसने भी एक परिवार को चुना, मरियम और यूसुफ के परिवार को चुना। और प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं, दोबारा आने वाले इस दुनिया में परिवार को लेने आ रहे हैं, यानी कलिसिया जो उसकी दुल्हन है और वो दूल्हा है। यानी एक पिक्चराइज किया गया है फैमिली। फैमिली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कहते हैं एक अच्छा परिवार अगर इस दुनिया में, तो ईश्वर का एक प्रतीक है, चिन्ह है। और परिवार पैसे से बढ़ करके हैं। परिवार में समय, क्वालिटी समय व्यतीत करें, और फैमिली माता पिता बच्चे और थोड़ा सा बड़ा झुंड परिवार का जो है एक अच्छे समाज, एक अच्छे समाज और संस्कृति और कल्चर को विकसित करते हैं। एक अच्छा परिवार एक अच्छे गांव, एक अच्छा शहर और एक अच्छा स्टेट, अच्छा कंट्री और अच्छे दुनिया का विकास कर सकता है। तो आप एक अच्छा परिवार के लिए प्राथमिकता दें और अच्छा परिवार बनाएं। गॉड ब्लेस यू। अगर इस संदेश के द्वारा आपको आशीष मिली, शेयर करें, कमेंट करें और दूसरों को भी इसको जरूर बताएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।